जी तो ये स्क्रीन आपके पास सामने आपको नजर आ रही होगी अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि स्क्रीन आपको नजर आ रही है एक्चुअली व्यू द थिंग्स गोइंग ऑन देयर यस राइट ठीक है जी आज की वर्कशॉप का टाइटल है वन द वर्कशॉप ऑन यूज ऑफ ए आई टूल्स ए आई मीन्स आई नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल हर किस्म के टूल्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं तो ए आई टूल्स इन साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग

Uh, तीन बजे स्टार्ट हुई है ओबियसली एग्जैक्ट तीन बजे टाइम के हम थोड़े से ज्यादा पाबंद हैं स्पेसिफिकली जब से मैं जर्मनी शिफ्ट हुआ टाइम की कदर होना स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान में हम दोस्तों को बुला के कहते हैं आ जाना यार मैं भी पहुंच गई और दोनों घर बैठे होते हैं सो हियर वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन टाइम और एग्जैक्टली exactly, इनशाला दस बजे हम फिनिश करेंगे लेकिन डोंट वरी इसमें नमाज की ब्रेक होगी आप मुझे बताएंगे क्योंकि आप डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए हैं जब किसी का नमाज का टाइम है दे कैन टेक्स मी और फिर वो जा सकते हैं नमाज के ऊपर और अगर पांच से दस लोग ज्यादातर जो है उनका नमाज का टाइम है देन देन वी विल टेक अ ब्रेक एट दैट टाइम फॉर नमाज एंड एंड टी टी डिनर ठीक है फिर ब्रेक्स भी होंगे इसके अंदर और फिर जारी बात है हमने तीन बजे स्टार्ट किया तो डिनर का टाइम भी होगा तो ऑबियसली ये चीज बेहतर होगी कि हम मगरब के, के बाद डिनर का टाइम रख लें ताकि वो 45 मिनट की तकरीबन ब्रेक हो जाए 45 से 60 मिनट की तो आप ये समझ लें कि डेढ़ से दो घंटे इसमें ब्रेक टाइम है बट विद द टास्क और हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि आप अगर नोट्स बनाते हैं मेरे साथ साथ तो ये आप और भी ज्यादा सीखेंगे तो बेहतर ये होगा आप एक नोटबुक अपने पास रखें जिसके ऊपर लिखना स्टार्ट करें रीजन क्या है रीज़न ये है कि अगर आप नोटबुक पे लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको लैपटॉप के अंदर काफी डिस्ट्रैक्शन आएंगे या आप तो आप मेरी स्लाइड्स देख पाएंगे या मुझे सुन पाएंगे या टाइप कर पाएंगे सो so, दोनों में से एक काम होगा ऑन दी अदर साइड इफ़ यू हैव अ नोटबुक तो उसके ऊपर जब आप राइट डाउन करेंगे तो आपके कंटेंट जो है वो अच्छे तरीके से बन जाएंगे एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि अगर अभी आपके पास नोटबुक नहीं है ठीक योर टाइम एक दो मिनट लें और प्लीज़ किसी बच्चे के बैग में से निकाल के लें जो आपके घर में हैं या इर्द गिर्द हैं ठीक है और एक पेन रखें अपने पास अगर सभी के पास नोटबुक है इस वक्त देन वी कैन स्टार्ट आई मीन आई कैन मूव फॉरवर्ड ओके, आई एम होपफुल कि सभी के पास नोटबुक है सो so, हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स का भी टाइम है सो so, जब भी आपका क्वेश्चन है टाइम लेंगे वो 10 से 15 मिनट होगा और आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा ठीक है ऑब्वियसली अगर 36 के 36 लोग या 40 के 40 लोग हर दफा हर एक क्वेश्चन uh, आंसर के अंदर एक एक मिनट भी लेते हैं तो आधा पौना घंटा हमारा उस वक्त जाएगा सो सम क्वेश्चन जो आप अभी सोच ही रहे होंगे मेरे लेक्चर को स्टार्ट करते वक्त वो आपको इन लेक्चर के अंदर भी मिल जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि अपने क्वेश्चन को अपने पास टाइप करके बाद में रख लें जैसे हमारा क्वेश्चन आंसर का टाइम स्टार्ट होता है ठीक है तो सभी जब एक क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन uh, को टाइप करके रख लेंगे देन आई कैन चूज बिटवीन देम और जिनका मिलता जुलता आंसर हुआ तो उनको कंबाइन करके मैं आपको बता दूंगा अदरवाइज यू कैन आल्सो आस्क मी वी माइक्रोफोन ओके जी हम डेडिकेटेड टाइम भी अपना यहां पे स्पेंड करेंगे हो सकता है आपको यहाँ पे कोई ऐसा पियर मिले या ऐसा कोई कुलीग मिले जो आपके साथ मिलकर फ्यूचर के अंदर साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स लिख सकें सो वी विल डेडिकेट दैट टाइम एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप जिसमें आप ग्रुपिंग कर सकते हैं एंड यू कैन राइट योर ओन मेनस्क्रिप्ट या पेपर्स ठीक है मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमारतफेल ऑब्वियसली यार पी एच डी की है तो मैं डॉक्टर तो लिखूंगा क्योंकि जिन्होंने की है या जो कर रहे हैं उनको पता किस भाव बिकती है सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप पी एच डी कर रहे हैं या, है, या कर रही है तो इसको कैच करवाएं क्योंकि आप लोगों को नहीं बताएंगे लोगों को किसने बताना है कि आप पी एच ठीक है और यही तो आज का सारा मुद्दा है ना आप नहीं किसी को बताएंगे कि आपने कोई रिसर्च की है तो लोगों को क्या पता चलेगा आप रिसर्चर हैं इसकी एक मिसाल मैं ऐसे देता हूँ पंजाबी की कहावत है कि वो छोटा सा बच्चा होता है ना उसको लोग आके प्यार करते हैं और फिर माँ कहती है ये मेरे बेटे को बहुत प्यार करता है या मेरे बच्चों को बहुत प्यार करता है तो दैट मीन्स कि ये बंदा अच्छा है या बंदी अच्छी है और ये हमारे अच्छे रिश्तेदार हैं क्योंकि ये मेरे बच्चों से प्यार करते हैं मैं इनके बच्चों से प्यार करूंगी एंड वी विल हैव गुड रिलेशन इसको पंजाबी में मैं इस तरह ट्रांसलेट करूंगा कि सुते हुए मुंडे का मुँह चुमया ना मुंडा राजी ना मुंडे की माँ राजी सो so, अगर आपने पेपर रिसर्च कर ही लिया अगर पब्लिश नहीं किया तो ना आप राजी होंगे ना जिसके लिए आपने पब्लिश करना है वो साइंटिफिक कम्युनिटी को पता चलेगा आपने कुछ लिखा है सो इस वजह से आपके सारे कंटेंट को पब्लिश होना और सामने आना जरूरी है एंड देन आई एम वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट बाई इन्फॉर्मेटिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी और पिछले तकरीबन डेढ़ दो तो, पौने दो साल हो गए मैं यहाँ पे हूँ पहले मैं इंडस्ट्री में था एंड डिड लॉट ऑफ थिंग्स अगर आप और मेरे बारे में जानना चाहते हैं सो ये दो स्लाइड्स मैं आपको सिर्फ इस वजह से दिखा रहा हूँ कि आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं मैं भी एक आ, मतलब पाकिस्तान से एक स्टूडेंट उठ के आया था एंड आई डिड डिज थिंग्स मेरी पी एच डी है मेरी क्यूरी uh, स्कोलोस का एक्शन से एंड आई डिड माई पी एच डी इटली एंड जर्मनी अदर देन दैट मैंने दुनिया में तकरीबन काफ़ी कंट्रीज फिरे हैं uh, सिर्फ स्कॉलरशिप के सर पर जेब से एक पल्ला रुपया नहीं लगाया घर से बाहर निकले हैं कदम बाहर रखा है वहाँ से लेके वापस आने तक सारा खर्चा ये स्कॉलरशिप उठाता था इट्स वन ऑफ द प्रस्टिजियस स्कॉलरशिप्स इन यूरोप मेरे पास डॉक्टर ओरेपियस का टाइटल है विच मीनस कि मेरी डिग्री जो है वो दो कंट्री से लेजिसलेटेड है यानी इटली एंड जर्मनी से क्योंकि मैंने स्पेंड किया है आधा टाइम इटली में आधे से ज्यादा टाइम जर्मनी में फॉर माई पी एच डी एंड हैव दिस डिग्री डिग्री का टाइटल बहुत डिफरेंट है बट जैसे की वर्ड्स होते हैं जो आज हम देखेंगे भी यू कैन राइट डाउन दोज की वर्ड्स एज वेल पाकिस्तान से निकला मैं ताइवान थाईलैंड इन दोनों कंट्रीज में गया देन आई प्रेजेंटेड माय रिसर्च इन नैदरलैंड कनाडा जर्मनी अमेरिका यूके ऑस्ट्रेलिया सॉरी नॉट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया एंड 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 देन देन बेल्जियम फ्रांस पे जाके कुछ चीजें सीखने को मिली कि हम किस तरीके से अपने रिसर्च आउटपुट को सामने लोगों के को के आते हैं लोगों के पोस्टर्स देखे लोगों की रिसर्च टॉक्स देखी उनको सुना उनको एनालाइज किया एंड एंड देन एट आई डिसाइडेड कि कि चलो यार एक इसकी की शीट बनाते हैं कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं फिर उसके बाद मैंने कम्युनिटी को सर्व करना स्टार्ट किया कि यार मुझे तो पता है जब तक मुझे पता है ये मेरे लिए जब तक कम्युनिटी कम्युनिटी को नहीं पता चलता आई कांट पे बैक टू पाकिस्तानी कम्युनिटी तो मैंने पाइथन का चिल्ला स्टार्ट किया नाम थोड़ा सा वेग है पाइथन का चिल्ला विद बाबा अमार या बाबा अमार के साथ कैची नाम रखने का मकसद यह था कि यार ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम सीख सके किसी चीज के बारे में पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो मेरे एनालिसिस के बाद मुझे पता चला कि मोस्ट ऑफ द पी नीड दिस या आर या पाइथन तो मैंने ये पढ़ाया चालीस दिन के अंदर अम, अ, लोगों को सिखाया वो पूरी के पूरा रिकॉर्डेड सेशंस जो है वो यूट्यूब के कोडाइनिक्स के चैनल पे पड़े हुए और उसके बाद सिर्फ यही नहीं अभी और सुनिए तो मैंने पाएथन के अलावा कंप्यूटर विजन डीप लर्निंग मशीन लर्निंग क्लाउड कंप्यूटिंग माई एस क्यू एल आर फिर साइंटिफिक राइडिंग फ्रॉम लास्ट टू ईयर ये बताने का मकसद क्या है ये बताने का मकसद ये है कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ मैंने अपने एक्सपीरियंसिस से सीखा है अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से सीखा है विद ट्रेनिंग्स एज वेल और ये एक निचोड़ है ऑब्वियसली मैंने जो पिछले तकरीबन सात से आठ साल लगाए हैं सीखने के लिए अगर आज की इस वर्कशॉप में आपको बता रहा हूँ तो होप फुली यू विल लर्न समथिंग अगर आप कुछ नहीं सीखते तो दैट्स अप टू यू बट आई आई पुटिंग माई ऑल एफर्ट्स क्योंकि इस वर्कशॉप को डिजाइन करने में पिछले तकरीबन छः सात महीने से मैं लगा हूँ अदर देन द माई एक्सपीरियंस तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कमाल की चीज है मैं बेच रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है क्यों रीजन क्या है आपको बताना इस वजह से जरूरी है ताकि आप सेटिस्फाइड फील करें एट एट द एंड एंड ऑफ दिस वर्कशॉप एज वेल तो यहाँ पे जो बातें होंगी मैं आप लोगों से भी सीखूंगा आप मेरे से सीखेंगे ये मेरी गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल है क्योंकि मैंने रिसेंटली पी एच डी किया स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफरेंट आर्टिकल्स कुछ पाइपलाइन के अंदर है कुछ वैसे चल रहे हैं तो आज हम इन चीजों के बारे में भी सीखेंगे Citations क्या होती है? क्या क्या एच इंडेक्स इंडेक्स होता होता है, 10 क्या होता है? आई uh, हो सकता है आप लोगों में से काफी लोग जो आई जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है सो डोंट वरी अबाउट एनी थिंग स्टार्ट वर्किंग नाउ सबसे पहली टिप आज की अपने आप की अपीरेंस को ऑनलाइन जरूर करें फॉर एग्जाम्पल मेक योर गूगल स्कॉलर प्रोफाइल गूगल स्कॉलर पर प्रोफाइल को बनाए अपने यूनिवर्सिटी या किसी भी जिसके साथ आप काम करें। जब साइंटिफिक राइटिंग की बात आती है अब में से लोग काफी काम करते हैं गूगल स्कॉलर की अपनी प्रोफाइल को वहां पे अपडेट करें पेपर कोई भी नहीं है आपका कोई पब्लिकेशन है नहीं है डोंट वरी अबाउट दैट इनशाला जरूर होंगी अगर हैं तो उन्हें सभी को वहां पर ऐड करें This is the first tip के आप अपनी गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल बनाए ठीक है दोनों के लिंक आपको अभी दे देता हूँ। पहली है गूगल स्कॉलर और गूगल स्कॉलर के ऊपर प्रोफाइल बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब भी आप अपने आपको uh, कहीं पे विजिबल करवाना चाहते हैं यू जस्ट नीड टू सेंड दैट गूगल स्कॉलर प्रोफाइल लिंक तो लोगों को खुद ही पता होता है कि इसकी इतनी पब्लिकेशन है और जल्दी बनाना ज्यादा बेहतर होता है सेकेंड इज रिसर्च गेट इन दोनों पे अपनी प्रोफाइल जरूर बनाएं इसके अलावा भी काफी चीजें आप उन पे भी अपने प्रोफाइल बना सकते हैं सो दीज आर टू मेन थिंग्स ठीक है जी फिर अब हम स्टार्ट करते हैं कि साइंटिफिक राइटिंग होती क्या है यहां तक ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका क्योंकि ये मेरे बारे में चीज़ें थी मैंने आपको बताया और जो पहले पंद्रह मिनट थे मैंने इस पर सर्व करने थे आई डिड दैट नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर